सई को समझ में आने वाला है भवानी का मकसद। इसके बाद सई का क्या होने वाला है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से सई को भवानी पर शक होने वाला है। हालांकि सई बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होने वाली है कि आखिर भवानी क्या चाहती है, क्योंकि सई ये बात अच्छे से जानती है कि भवानी अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोच सकती है। लेकिन इस बार भवानी जो है वो विराट का फायदा सोच रही है, यानी कि भवानी को विराट से कितना प्यार है ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। बस इसी की वजह से भवानी जो है विराट और सई को मिलवाना चाहती है, क्योंकि भवानी ऑलरेडी देख चुकी है कि विराट सई के बिना नहीं रह सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि पाखी अलग ही जोन में चल रही है। पाखी जो है वो अश्विनी के सामने रोती हुई नजर आने वाली है। तो वहीं दूसरे ही पल आप ये देखेंगे किस तरह से सभी जो है सई को सारा सच बताने वाली है। तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे किस तरह से सभी जो है सई के सामने बैठी होती है, जहाँ पर उषा मौसी भी खड़ी होती है। इन तीनों के बीच में बातें चल रही होती है, जहाँ पर सभी जो है सई को सारा सच बता देती है कि किस तरह से भवानी वहाँ आई थी, और भवानी ने ही सभी को सारा सच बताया है। इतना ही नहीं, सभी जो है वो ये भी बताती है कि किस तरह से भवानी ने उसे पॉकेट मनी का खर्चा भी दिया है। हालांकि ये सारी चीजें देखकर अब सई जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई है, लेकिन सभी तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सभी ये सोच सोच कर खुश है और पूरे में गा भी रही है कि वो अपने पापा के घर लौटने वाली है। अब सई जो है वो कंफ्यूज है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उषा मौसी से सई जो है बात करने बैठ जाती है, और उषा मौसी सई के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। तभी उषा मौसी बताती है कि मुझे तो किसी ने साड़ी का लालच देकर बुला लिया था, मैं वहाँ गई नहीं होती तो भवानी यहाँ आ भी नहीं पाती। तो ये सारी चीजें सोचकर सई जो है वो बोलती है कि अच्छा, आपको किसी ने साड़ी के लिए बुलाया था, क्या आपको साड़ी मिली। इस बात पर उषा मौसी कहती है कि नहीं, मुझे साड़ी भी नहीं मिली, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। तभी सई को ये भी याद आता है कि किस तरह से हॉस्पिटल से उसे एक झूठा कॉल आया था। अब सई कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये सब भी भवानी ने ही कराया है, क्योंकि भवानी चाहती थी कि वो सभी को सारा सच बता दे। लेकिन सई के मन में अब जो है बहुत सारे डाउट आने वाले हैं। आप देखेंगे किस तरह से सई जो है वो ये बोलती है कि अच्छा, मैंने विनायक को सारा सच बता दिया, इसलिए भवानी काकू जो है वो मुझसे मेरी दुश्मनी निकालना चाहती है, और इसलिए उन्होंने सभी को सारा सच बता दिया है। अब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां सई के मन में इतनी सारी गलत फहमी है और भवानी ये चाहती है कि सई विराट एक हो जाए, तो इन सबके बीच में क्या सई विराट एक हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई सई क्या करेगी, क्या सई जो है भवानी की बातों में आ जाएगी, क्या सही भवानी की बातों में आकर जवान परिवार में लौट जाएगी, और क्या भवानी के मकसद जो है वो कंप्लीट होने में सही उसका साथ देगी, क्या सही विराट के करीब जाने के लिए बहुत सारी चीजें करने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें।